Good morning, everyone. Today, housekeeping and sanitation section have organized Nukkad Natak for awareness against use of single-use plastic. Now, I would like to call upon Dr. Ashish Pundhir sir to tell a few words about single-use plastic. Thank you. Shubhrabhat. शुभ सकाल, नमस्कार। आज आप लोगों को मैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताऊंगा। आज आप लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में चर्चा करनी है। चर्चा में बात करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक हम डे टू डे कैसे यूज कर रहे हैं, दैनिक तौर पर कैसे इस्तेमाल या उपयोग कर रहे हैं, तीसरा स्वास्थ्य और पारिवारिक प्रभाव क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक के, चौथा सिंगल यूज प्लास्टिक के कोई विकल्प है, कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ और उपयोग कर सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के अलावा। तो पहले मैं जनता से पूछता हूँ, वो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या समझते हैं। जो हमारे कुर्सियों में बैठे हुए हैं वो बताना चाहेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। कोई भी, चलो मैं बताता हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक वो होता है कि हम ये सोचते हैं कि इस प्लास्टिक को हमें आज के लिए ही इस्तेमाल करना है, एक ही दिन के लिए ही इस्तेमाल करना है और उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं। आप लोग बता सकते हो ये सिंगल यूज प्लास्टिक हम दैनिक तौर पर कैसे उपयोग कर रहे हैं? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के हाथों में प्लास्टिक बैग है, उस प्लास्टिक बैग का आप करते क्या इस्तेमाल करने के बाद? सीधा फेंक देते हो प्लास्टिक बैग। बाहर हम खोखे में जाते हैं चाय पीने तो प्लास्टिक का ग्लास मिलता है हमें, बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं कई बार तो प्लास्टिक का प्लेट, प्लास्टिक की स्पून, ये सब हम प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं। फंक्शंस का ही होता है तो बलून हम इस्तेमाल करते हैं, बलून की जो छड़ी होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। जो हम कान साफ करने के लिए कॉटन ईयरबड यूज़ करते हैं वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो इस तौर पर दैनिक तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग कर रहे हैं, पर इसका हमें पता होना चाहिए कि इसका प्रभाव स्वास्थ्य के साथ साथ पारिवारिक प्रभाव भी पड़ता है। तो स्वास्थ्य में क्या प्रभाव हो सकता है आप लोग बता सकते हो? कोई आप लोगों में से कोई बताना चाहोगे कि स्वास्थ्य पारिवारिक प्रभाव सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या होता है, क्यों हम बताना चाह रहे हैं? पहले क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है जो हम बाहर फेंक देते हैं वो डिकम्पोज होता है माइक्रो प्लास्टिक में। ये माइक्रो प्लास्टिक ऐसी चीज़ होती है वो समुद्र में प्रवेश करता है और समुद्र प्रजातियों में प्रवेश कर जाता है, जैसे मछलियों में, और मछलियाँ या माछ जिसे हम बंगाली में बोलते हैं वो हमारा आहार होता है, तो हम इनडायरेक्टली प्लास्टिक ही खा रहे हैं। जब हम समुद्र में प्लास्टिक फेंकते हैं या प्लास्टिक की वजह से के कारण ऐसे हमें ना मार्श में पहुंच जाता है। दूसरा, अन्वेषण द्वारा, रिसर्च द्वारा दिखाया गया है कई प्रकार के कैंसर, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, चक्कर आना और हार्मोनल इम्बैलेंस होना, उसमें सब सिंगल यूज प्लास्टिक का जिम्मेदारी है। तो स्वास्थ्य में इस तरह से प्रभाव पड़ता है। तीसरा, एक चीज़ होती है जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन, जैसे मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, ये मृदा पोल्यूशन बोलते हैं। उस कारण क्या होता है, जो पेड़ पौधे हो गए जिनको पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए, प्लास्टिक के कारण उनको वो भी नहीं मिल पाता है। प्लास्टिक कई बार प्लास्टिक के मलबे समुद्र में इकट्ठे हो जाते हैं और समुद्र प्रदूषित होता है। उस कारण जो समुद्र में प्रजातियाँ हैं जैसे डॉल्फिन हो गए, कछुआ हो गए, मछली हो गए, उन पर प्रभाव पड़ता है, उनकी भी मौतें होती है। जो समुद्र पक्षियाँ होती है उनकी मौतें होती है। पर अब सवाल आता है कि इतनी दिक्कतें होती है सिंगल यूज प्लास्टिक से स्वास्थ्य पर और पारिवारिक प्रभाव पड़ता है, तो इसके विकल्प क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक से हम बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। जैसे मैडम के हाथों में मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक है, तो कल से मैडम प्लास्टिक का बैग लेके आ सकती है। प्लास्टिक का बैग नहीं, मतलब प्लास्टिक के बैग के विकल्प में कपड़े का बैग ला सकती है। बाजार में कपड़े का भी बैग मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 10-30 रुपए का आता है
और आप कितनी बार भी इस्तेमाल करो। प्लास्टिक बैग क्या है, आज इस्तेमाल किया फेंक दिया। कपड़े का बैग क्या, आप हमेशा अपने साथ जिंदगी भर रख सकते हो। ऐसी प्लास्टिक की जो कटोरी प्लेट ये सब आके इसके जगह स्टील का प्लेट इस्तेमाल करो, स्टील का ग्लास यूज कर इस्तेमाल करो, पेपर कप इस्तेमाल करो। तो विकल्प है हमारे पास। तो आप लोग यहाँ से जब जाओगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करोगे इस्तेमाल करना, हाँ या ना? ना ना या हाँ? तो जवाब ही नहीं दे रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके विकल्प में जो चीज़ें हैं जैसे कपड़े का बैग है, ठीक है, पेपर कप्स हो गए, ठीक है, ग्लास स्टील स्टेनलेस स्टील के है ना मटीरियल हो गए, वो आप इस्तेमाल करोगे। धन्यवाद। সামাজিক শিক্ষামূলক নাটক সুন্দরী গৃহকরণ বন্ধ আপনাদের আগে বাংলায় দেখেছেন, আজকে আমরা সেটাই হিন্দি ভাষণে করব। আজকে আমরা শুরু করছি লোকার নাটক সুন্দরী গৃহকরণ বন্ধ। अरे हो गया
बड़ा मोबाइल चाहिए दीदी, बड़ा वाला मोबाइल लेंगे बीते हजार रुपये में नहीं होगा बीते, तो बड़ा मोबाइल चाहिए हमको। नहीं देंगे तेरे को पैसा, नहीं मोबाइल लेना, फोन अभी काम कर, काम काज करके तो खरीद लेना मोबाइल है। ऐसे करेंगे नहीं करता, बहुत कंजूस आदमी है बीते, बहुत कंजूस है, बहुत हमारे घर तो अपना मोबाइल लेना, बहादुरी करेगा करने के लिए, अभी मोबाइल चाहिए, पैसा चाहिए, कमाई कर, कमाई कर। ये था नरेंद्रस का बड़ा बेटा अर्जुन, और नरेंद्रस का एक दूसरा लड़का भी है कमल, वो बात से बिल्कुल उल्टा है, गरीब दुखी की हेल्प करने के लिए वो सबसे आगे बढ़ जाता है, और अभी एमए पास करके वो अभी नौकरी में बैठ रहा है एग्जाम देने के लिए। हेलो हाँ सुन ना, ना 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 आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज मेरा ट्यूशन है। हाँ 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 ठीक मिलेगा तो मैं खुद देंगे, जब तक नौकरी नहीं मिल रहा है ना तुम्हारी को लेंगे ना। बहते हुआ नदी जैसे अपने ख्याल में चलता है, वैसे भी समय भी अपने हिसाब से चलता है। सुंदरगढ़ का एक गांव है देवखाली, उस वहाँ का जो रोजी रोटी है एकदम माइनर है, तो वहाँ पे जाके एक टीचरी का नौकरी मिल गया वो कमल को। अभी कमल एक दिन स्कूल से जा रहा था तो बीच रास्ते में एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है। कमल सोचता है कि इन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, और ये मन बहुत दुखी भी होता है कि ये लोग इतना गरीब है कि इन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आता है कि इजी वे में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो गांव गांव जाके सबको बुलाता है उनकी स्कूल की जो मैदान है उनमें थोड़ा सा प्रोग्राम के लिए और प्रोग्राम देखने के लिए। आपको सब बोलेंगे ठीक है क्या? एक्चुअली ये जो हम डस्टबिन लाए ना, एक
उसी में मिल जाते हैं, ठीक है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो हम लोग हर जो खाते हैं ना, जो एक केला खाया तो केले का जो छिलका है तो क्या करते हैं हम लोग बाहर को फेंकते हैं, तो उसको हम बाहर नहीं फेंकेंगे, हम फेंकेंगे ये ग्रीन डस्टबिन में। हम लोग जो हर जो जो सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी का जो छिलका होता है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर में फेंक देते हैं, तो उसको हम बाहर नहीं फेंकते, हम लोग ये ग्रीन में फेंकेंगे। अच्छा, हम लोग जो कागज़ यूज़ करते हैं ना, वो कागज़ भी बाहर फेंक देते हैं, वो बाहर नहीं फेंक के हम इसमें फेंकेंगे ग्रीन में। और कभी कभी हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाने के बाद में जो हम लोग जो वेस्टेज जो खाना होता है ना, वो लोग हम नाली में फेंकते हैं या कोई जो पॉन्ड में फेंक देते हैं, उसको नहीं फेंक के हम लोग इस ग्रीन में फेंकेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग को इसको मिट्टी में एक जगह में रखेंगे, उसके बाद इससे हम लोग फर्टिलाइज बनाएंगे। फर्टिलाइज मतलब जो हिंदी में कहते हैं उर्वरक कहते हैं ना, तो उर्वरक बनाएंगे, और इसको बंगाली में कहते हैं क्षार। तो इसको बना के हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पैकेजिंग करेंगे, पैकेज करके हम लोग बाहर में बिकेंगे। अच्छा, अब दूसरा है ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला जो डस्टबिन है इसको इसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग हर रोज जितने सारे चीज़ यूज़ करते हैं उसमें जो प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक क्या होता है, मिट्टी में नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग रखेंगे इसमें। जैसे कि हम लोग जो बाजार से कोई बाजार करके आया तो एक प्लास्टिक आया, वो कैरी पैकेट जो आया, तो उसको हम लोग बाहर नहीं फेंकेंगे, हम लोग फेंकेंगे ये ब्लू डस्टबिन में। और कभी कभी होता है हम लोग जो चाय पीते हैं ना, चाय का जो कप कप होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिक का एक कोलेट होता है, तो वो भी मिट्टी में नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लू डस्टबिन में फेंकेंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया, इसमें हम फेंकेंगे तो क्या होगा, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक, तो इसमें हम डाल देंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। और दूसरा बात है, इसमें जितना सारे प्लास्टिक आ गया है ना इसके अंदर में, तो कई 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 बाहर में कोई कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं, वो प्लास्टिक को रिमोडिफाई करते हैं, या तो वो जो रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल करके वो लोग नया नया वाला चीज़ बनाता है, नया प्लास्टिक बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लास्टिक को बाहर में बिक देंगे। तो ये वाला जो प्लास्टिक एक जगह में हो गया, इसको बिकेंगे तो थोड़ा पैसा आ जाएगा, और ये ग्रीन वाला में जितना सार बनाएंगे, जो उर्वरक बनाएंगे, उसको बेचेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा, जितना पैसा आएगा वो हम लोगों के साथ जितना सारे आदमी काम करेगा सभी में बांटेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा, इसमें हम लोगों का संसार भी अच्छा चलेगा। ठीक है, और हमारा परिवेश से हम लोग और कचरा से हम लोग परिवेश को अच्छे रखेंगे। और दूसरा बात है, कल हम आप लोगों को एक ब्लू डस्टबिन, 100 ब्लू डस्टबिन और 100 ग्रीन डस्टबिन देंगे, कि आजू बाजू में जितने सारे चाय का दुकान है या होटल्स है, उस लोगों को उसको हम लोग आप लोग समझाएंगे, समझा के उसको दे देंगे, वो लोग उसमें डालेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल जितना चीज़ है इसमें डालेंगे और बायोडिग्रेडेबल जितना है इसमें रखेंगे, तो इकट्ठा करके हम लोग ये शार्ट भी बनाएंगे और प्लास्टिक भी बेच के हम लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम वो आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना इतना सही है, इसका कुछ बोलना है, जानना है किसको? ठीक है, तो आप सोचते हैं कि आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बहुत ही उत्साह और प्यास से गांववासी ये काम में लग जाता है, पर देखते ही देखते दो तीन महीने में थोड़ा गांव थोड़ा सा उनका जो अर्थनैतिक व्यवस्था है वो ठीक हो जाता है थोड़ा सा। और ऐसे ही एक दिन एक एनजीओ का फाउंडर संजय मिस्त्री मिलने आता है कमल से और कुछ बोलता है उनसे। कैसा है? आप कैसे? हाँ, अच्छा है। तो आपका सर फोन पर बात हुआ था? हाँ हाँ हाँ, सामने सामने नहीं हुआ। तो आप जो काम कर रहे हैं, आपका नाम रोशन हो रहा है सर, गांव में जो आप जो काम कर रहे हैं एक गांव वाले के लिए, आपके काम अच्छा करने के लिए, तो एक कॉम्प्रेस पर नाम है से क्या होगा? जो एक हफ्ता में जो काम आप करता है वो काम एक दिन पर करेंगे आप। बढ़िया, हाँ आपको बहुत अच्छा होगा इस काम ये मैसेज से। तो फिर आपके काम करने होगा, जो जमीन पर एक कंपोस्ट मशीन बैठेगा उसका नो ऑब्जेक्शन कल भी मेरे को चाहिए, आपको दे देना, जल्दी हमको देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते, हमारे साथ आने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कमल आज बहुत खुश है क्योंकि वो गांव वाले के लिए कुछ कर सका, इसलिए आज वो बहुत खुश है। हमारे लिए पूरे गांव वाले लिए बहुत काम किया, आप जैसे
वाह वाह, ये बढ़िया स्टोरी है। एक तो ये पॉल्यूशन कैसे हटाए ये भी बोल दिया, और वो पॉल्यूशन की चीज से कैसे इनकम भी हो सकते ये भी बोल दिया। वाह, ये जाके हम फ्रेंड को बताएंगे कि ये इससे भी कुछ कर सकते हैं या नहीं, हम भी कुछ करेंगे इसको लेके। यही है, हम फ्रेंड को जाके बताएंगे, अभी जाके बताएंगे। আমরা আজকের মতো নৌকার নাটক এখানে শেষ করলাম। তা আমরা যেভাবে আপনাদেরকে আজকের নাটকের অভিনয়ে দেখিয়েছি, আপনারা ঠিক গ্রামে একইভাবে ইউজ করে আমরা পরিবেশ দূষণ থেকে সবাই রক্ষা পাব, সকলে সুস্থ থাকব, এটা আশা রাখি সকলের কাছে। আপনারা নিজেরা বুঝেছেন, অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। নমস্কার। বাইরে যাও।